सखिया सखिया कहे सखी हो सुना एगो बात हम बताती ध्यान से सुनिए तो कहत है का कहत हमरा पाले पड़ल बाटे एगो कसाई पाले पड़ल बाटे एगो कसाई तोरा भाई कोई दूसर ना हो तोरा भाई कोई दूसर ना हो तोरा भाई हमरा पाले पड़ल बाटे एगो कसाई तू कोई दूसर ना हवे तोरा भाई रात से उठे दर्द दिया रे ननदिया रे ननदिया रे आप दे कमर पे हर दिया रे ननदिया रे ननदिया रे आप दे कमर पे हर दिया रे ननदिया रे ननदिया रे आप दे कमर पे हर दिया रे भैया हो आप लोगन के बीच एक ऐतिहासिक कहानी एक ग्रह हमारे बड़े भैया ओपी राजभर माँ ईश्वरियों की सौजन से ए राधा रानी सोनकर जी छोड़े चलत बाड़ी जैसे कि हर ग्रह में आप लोगन के द्वारा प्यार दुलार मिलेला बाबू भैया वैसे ही उम्मीद ना विश्वास बा कि ये विरह से भी आशीर्वाद प्यार दुलार मिली रुका मास्टर ग्रह का शीर्षक है कर्म और धर्म जैसी करनी वैसी भरनी चार लाइन भूमिका का भाव कवि जी ने बहुत सुंदर लिखी करतार की कैसी लीला है न्यारी सबको सजाता और सबको नचाता धरती हवा सूर्य अग्नि अपानी जल चर गगन चर पृथ्वी चर बनाता राम सब में है सब राम में रम रहे नगीना सब अपने ही कर्मों से पाता स्वर्ग नरक दोनों इसी मही के ऊपर नगीना सब अपने ही कर्मों से पाता ए भैया बाबू जैसन जे करी वैसो के फल मिली यही धरती पर
स्वर्ग नर्क दोनों इसी धरती पे मिलेगा। बा, बा, बा। लेकिन मास्टर हमरे ग्रह में बहुत ही अच्छा गजल का लाइन बा, गजल तब बहुत लोग गावेला, सब ही लोग गावेला, लेकिन यह गजल में कैसन दर्द भर बात मिली आपकी। ब्रह में एक लाइन गजल के लाइन बा मास्टर, कौनो प्रेमी अपना प्रेमिका से कहले बा, मेरे खून दिल की मेहंदी शहनाइयां बजाना। लेकिन हो भैया ई तो गजल रहल, भाव का लाइन कवि जी बहुत ही सुंदर लिखे, इंसान को मिला सब, इंसान को मिला सब। गुरुजी, सुने वाले श्रोता बंधु भैया बाबू, इंसान के सब कुछ मिल जाले, लेकिन हो भैया एक ही चीज ना मिलेला। का ना मिलेला? ओके, हम बतावत बटी, इंसान को मिला सब, संतोष मिल ना पाया। संतोष मिलना पाया, संतोष अगर मिल गया तो बाबू इंसान को मिला सब, इंसान को मिला सब, संतोष मिलना पाया रे, संतोष अगर मिला तो, संतोष हो भैया सब कुछ मिलेला, ए धरती पर सब कुछ मिल जाला, लेकिन संतोष ना मिलेला। अगर जेके संतोष मिल जाला हो भैया, वो बहुत ही महान कहाला, वो सबसे बड़ा महान होले। लेकिन हमरे ब्रह का कहानी यहीं से शुरुआत बा मास्टर भैया।
तोहला बसंत पारा बेटे ड्रीप की सयानी शादी करूंगा बेटी की मन में लिए थाली भैया हो हमारे श्रोता बंधु बड़े भैया बाबू लोग कहानी पाप लोग गौर कीजिएगा बाबू कहानी बाकिसन कहानी बाका के सतयुग का कहानी आप लोगन की हम बतावत बटी। सतयुग में राजा केतु बहुत ही दयावान राजा रहलन भैया बाबा अगर से उनके दरबार में आधी रात पछली पहर के प्रजा चला जा तो आज राजा केतु जी उन्होंने लोगन का बड़ा मदद सहयोग सहारा दी। वही नगर का एक चक्रवेद पंडित महाराज जी रहलन बाबा बहुत ही ज्ञानी पंडित रहलन बहुत ही ज्ञानी पंडित रहलन बाबू। ओ पंडित जी के एगो लड़की रही ये भैया शादी जोग का हो गई। पंडित महाराज एक दिन सुबह सुबह के पहर राजा केतु के दरबार में दरबार लगल बा सुबह सुबह सभी प्रजा पहुंचा बाए वही दरबार में चक्रवेद पंडित जी भी पहुंचल हैं बाकी प्रजा सब उठ उठ चला गए बचलन चक्रवेद पंडित महाराज जी। ते राजा केतु कहे महाराज सब चली गेल आप कैसे कहे महाराज कहे सरकार सुना एगो आपसे हम मदद चाहत बटी हम बिटिया का शादी फान देले बटी सरकार आपसे हमके कुछ पैसा कर्ज के रूप में चाहत बटी। राजा केतु जी कहलन कितना कहे सरकार ज्यादा नहीं मात्र 5,000 रुपया हमें चाहिए बाकी व्यवस्था हम कर ले ले ही। राजा केतु उठलन आ उठ के ताक से 5,000 रुपया निकलन निकाल के महाराज चक्रवेद पंडित जी के हाथ में थमा देलन कहे बस कहे हाँ मां सरकार बस पंडित महाराज लेके पैसा चल दिलन लेके चल दी हलन हो भैया। इधर राजा केतु सोचते हैं कि हम तो पैसवा महाराज के दे दिए ये ना पूछे कि हमार पैसवा कब लौटौबा। ये भैया राजा केतु जी पंडित महाराज के बोला ली हलन का है महाराज कहे महाराज सुन ला पैसवा तो ले लेला महाराज बाकी ई ना बतौला कि पैसवा हमार कब लौटौबा। कहे सरकार मात्र बिटिया के एक महीना शादी के बाद 5,000 रुपया तुम्हें लौटा दे। कहे ठीक हो अब जा सकेला। इधर भैया चक्रवेद पंडित जी बिटिया का खूब रूम धूम से ब्याह कैलन शादी ब्याह कई के खाली हो गई लेन और धीरे धीरे 2 महीना 3 महीना करीब 6 महीना का समय खत्म हो गई। 6 महीना बीत गए अब इधर राजा केतु अपने मंत्री के भेज के महाराज पंडित जी के बुलवा ले लेन कहे महाराज आप हमके कहला कि पैसवा तुहके एक महीना में हम लौटा दी हम बाकी 1 महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीना बीत गल हमार पैसा नहीं लौटौला। अब हर चक्रवेद पंडित जी कहे सरकार तू चिंता मत करा सुना राजा साहब
काल राती के नरसिंहपुर नगर में नरसिंह राजा के काल एगो लड़का पैदा हुई। वो लड़का से पूछ रहा कि पंडित महाराज जी पैसवा हमार दई है कि ना दई है। वो लड़का तो हमके बता दी, इतना बात कहले और राजा साहब उनके बात के मान के चल दी। ब्रह में बहुत ही अच्छी गीत लग गई। ए दुलही एगो कहत बटी अपना राजा सैया जी से, यह कहत बटे अरे बजरिया से चुनरी ले ले आइया बाल बात के मान के चल दी है। ना ना ना। लेकिन हो दिखा बा रही अंग धाई ले हो रही अंग धाई ले रही अंग धाई ले हो रही अंग धाई ले राजा नारसिंहपुर के रही अंग धाई ले हमके विश्वास ना लेकिन तेरे बाप तो हम चलत हिला ये खलन चालती की बेरी बोले विप्र से बचानिया लेकिन बाबू भैया लो राजा केतु जब चललन तो कह सुना ए महाराज अगर कहीं झूठ निकल जाई तो हर बात तो तोहर तुरंत हम फांसी पर लटका दे। कहे ठीक है सरकार आप पहले जाते आज अब भैया नरसिंहपुर नगर के बीच एक बहुत ही बड़ा जंगल बहुत ही बड़ा घना जंगल अब राजा केतु साहब इधरों से जा तब वही रास्ते आवे ओहरों से आवे तब वही रास्ते आवे घूम फिर वही जगह आवत उर रास्ता के गईले भुला गईले। लेकिन बिरहा में एक लाइन गीत लगल जन की मिर्जापुर कजरी रहल कजरी हो बिरहा में बहुत ही बढ़िया गीत लगल मिर्जापुरी कजरी कैसे सुन कैला रजऊ कचौड़ी गल सुन कैला राजा मोरे अरे मिर्जापुरी के कैला गुला जा रहो कचौड़ी गल सुन कैला राजा
भैया, लेकिन भाव में देखा होती का बाप। भुलाई गई ले राजा जी, हो भुलाई गई ले राजा जी की रहिया, भुलाई गई ले राजा जी, भटकत भटकत बीचे बनवाया गई ला रहिया, भुलाई गई ले राजा जी, भटकत भटकत बीचे रहिया भुलाए गई ले राजा जी, भटकत भटकत बीचे बनवा आई गई ले रहिया, भुलाए गई ले राजा जी। लेकिन हो भैया आज देखा राजा साहब का हालत का भलवा कहना है बाबा। भूखी या पियासी आते व्याकुल परनावा, राजा केतु वही घना जंगल में भटकल हैं, रास्ता भुलाल हैं, ओ समय सोचत हैं कि सरवा लगत था पंडितवा हमके बजा दिले, हमके फंसा दिले, जो ये जंगल में जानवर जंगली बेटा जाइए तो हम इधर ही खपा दिए, पंडितवा सोच के हमके भेजले हो कि ना राजा रहिए नौन के हम पैसा देवे के होई। ये राजा केतु अपना मना में सोचत होंगे, लेकिन भाई महाराज का तब बतिया जोन सच बा तन बटले बा। आज राजा जी यह सोचत हैं, लेकिन बाबू धीरे 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 अंधेरा होती बा, अंधेरा भइल बा, एक बहुत ही बड़हर जंगली पेड़ पे चढ़ गई लेन, जंगली पेड़ पे चढ़ गई लेन, चढ़ के ताचारों तरफ देखत हूँ कि कहीं कतो एगागो घर द्वार झोपड़ी कुटिया सुटिया दिखात कि ना। हे भैया देखत देखत एक छोटा सा झोपड़ी दिखाल दिया हुआ व्रत रहल, उ झोपड़ी दिखायल, अब राजा साहब की एकदम जीव में जीव एकदम प्राण उनकर पगिल गल की बस करा, अब हमार जान बच जाई बच जाई। अब भैया हो धीरे से पेड़ से उतरलन, घोड़ा एक हाथ से पकड़लन, अब पकड़ के आके झोपड़ी के सामने खड़ा हो गईलन, खड़ा हो गईलन, तो उस समय खुद का बटेरी का भाव मिले अरे समैया का गुलाम दुनिया, चाहे रावण कंसा चाहे होके राम, चाहे रावण कंसा चाहे होके राम, समैया का गुलाम दुनिया। ये भैया समय बहुत ही बलिवान होले बाबू, आज राजा चक्रवेद सोचत हुए कि बाहरे समय आज हमके
एक जंगल में आके फसल बाटी, तब तक ले है भैया राजा साहब आवाज दिलन, क्यों बा ए कुटू में, ए कुटिया में क्यों बा, ए भैया तब तक ले उ कुटिया रहल के कर के का एगो मुसहरे का, मुसहरे का कुटिया रहल, आ तब तक मुसहिनिया कत करे कवान हुए रे। कहे राजा साहब धन्य हो देवी, धन्य हो, धन्य हो देवी, अरे बाप रे बाप, आज एगो रात ए मड़िया में हमके रहे दे तू, आ तब तक मुसहिनिया कत करे करे हरे हरे मोरी का लगबे रे, तो हम अपना मड़िया में रहे दू। कहे राजा साहब कहे अब नहीं, अब बनल, अब तो जिंदगी हमार ना बची, ना बची। जौन इस समय मुसहरवा शहर से लकड़ी उकड़ी बेच के चला, और देखा था कि मुसहिनिया वही दुआरी मड़ई के मुँह लटका के डोका की तरह बैठा बा, आ तब तक मुसहरवा कतब करे हरे हरे हरे, ताई का बैठा है रे मुँह लटकाई के, कहत मुसहिनिया के सुन देखो है कौन आल है चिकमिक चिकमिक पहिन के, कहता तोरा मड़ैया में आज रात भर मैं रहूं, इको मोरा का लागू किया कि हम अपना मड़ौआ में राखी। अब राजा साहब के तरफ जब मुसहर का नजर पड़े बा, अरे बाप रे बाप, मुसहरवा देखले से कह रे इतना पहनावा ओढ़ावा से तो कोनो राजा महाराजा लगत हैं। अब मुसहरवा मुसहिनिया के लगे से दौड़ते राजा के पास पहुंचे हो, कहे राजा साहब राम, अरे राजा साहब कैसे आना पड़ा महाराज, कैसे आ पाए। अब राजा साहब का तो आत्मा गदगद, कहे बस करा अब रुपया में चार आना काम बना ला, बन गए हो अब भैया मुसहर राजा साहब के बैठाए अपन बात विचार हाल चाल के करत हुए, आ तब तक ले आके अपना मुसहिनिया से कहत है मुसहरवा, कहे सुन तैना जनबी मेहरारू का जाथे रोज तो हमहन जाहे जैसन खात रहा बनावत रही, लेकिन आज कुछ ऐसा निक नेवर बनाओ दे कि राजा साहब भी खा ले हमहनो खाई ले। आ तब तक भैया मुसहिनिया का तो करे करे हरे सुन रोज दो गो लिट्टी बनावो तले आज वह दूठे लिट्टी बनाए, आ एगो लिट्टी तोका देव एगो लिट्टी हम खा खा। ए भैया मुसरवा कलस की मानी नहीं, काहे के मानी, कहते मानी न दुइये लिट्टी बनाओ दे दुइये ठे बनाई, चला ठीक है एक ठो मापन मला राजा साहब के खिया दी। ए भैया एहर मुसाइन दुठे लिट्टी बना दिलस, और राजा साहब बिना मुसरवा फुटल की थरिया मात दिलस, अब माच के प्याज नमक लिट्टी रख के अब मुसहरवा राजा साहब के लगे लेके हिरकाय दी है, कह राजा साहब आपका स्वागत बा, इला खाला राजा साहब भोजनवा कैला। राजा साहब कहते कि नहीं नहीं सुना हमार पेट भरे ले हो हम खाबो ना, मुसहरवा का ना खाइबा बोला ना खाइबा मुसहरे के ना खाइबा, बहुत जल्दी निकल जा जा भाग जा बहुत जल्दी जा 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 हम मुसहर रही है इसे ना खाते है राजा साहब। राजा साहब गत्ते से थरिया उठाए और लिट्टी दबाए के खाए, बहुत ही बढ़िया विरह में गीत लग गई हो भैया, उहे गीत बा सावन भादो के महीना में जब गंगा जी बढ़ेली तो मलाही लोग गावली, कैसे कैसे गावली, अरे तोह के चढ़ई बे मैया मोरी, अरे तोह के चढ़ई बे मैया मोरी, नारी अरे चुनारिया हो की गंगा जी, हो की
माधुरी बचानिया में बोलल मुसहरावा हो की राजा जी, हो की राजा जी। लिपिया बरसल आहरावा हो की राजा जी, लिपिया बरसल आहरावा हो की राजा जी। शहर बेचारा राजा साहब के कह राजा साहब इगला लिट्टी बा भोजन आप कैला आराम से, और राजा साहब के मुसहर देके अब मुसहिनिया के लगे आ गई, मुसहिनिया के लगे आके मुसहिनिया से कहत बा मुसहरवा सुन रुस्तम ने खटिया पर सुतते हिला। आज सुन राजा साहब के सुते दे मुसैनिया का सुन हम खटिया पर सुतब आधा मोरी बाय आधा तो। आधा में हम सुतब आधा में तय सुत या अपना बहनैया के सुता। मुसहर कह चल अच्छा ठीक हम यार राजा साहब सुनतन सोचत हन कि लागत था लिट्टी तक खियाई दे अब मेहररुओ के लगवा सुताए दे। राजा साहब भोजन कह लिया कह राजा साहब चली सुती महाराज चली चार पाई सुती। राजा साहब मुसहिनिया के देख लेन सुतत के बड़ा फरफरैत कब ते ओए खटिया का पाटी पकड़ के हो भैया आधे खटिया पर सुत ले खटिया पर सुत गई लेन अजंता बाया तो लोगन सब ही जानत बा कि सुतल मुअल एक होले पैसा राजा इधर उधर मिलहलन आ जाय के राजा साहब के ए पखरवा मुसहिनिया के पखरवा में छुआई गे आ मुसहिनिया के कुर्रे हर्रे 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 ए भैया वही कोहनी कोहनी राजा साहब के खूबी आई गे राजा साहब डर की मारे वही चपना तक हो भैया धीरे धीरे जब रात भइल हो बारह का समय भइल हो जब बारह का समय भइल हो रात बारह बजिल हो यहर मुसहिन चार पाई से नीचे गिर के खून फेंक के मर गई, खून फेंक के मर गई। यहर मुसहर बेचारा जन राजा साहब का घोड़वा रहल ओ घोड़वा के बचावे में शेर चीर फार के मुसहर के भी मुआ दिलस ये भैया धीरे धीरे शुबेर भी सहरा भैल बा। राजा साहब का जब आंख खुलल देखतन मुसहिनिया कहाँ गई नीचवा मुसहिनिया गिरेल बा ओकरे मुहवा से देखत बान मार फेचकुर चलेल बा मुहे से खून निकला बा और नीचे मरील पड़ी बा। अब राजा साहब लगलन डराए लगलन सोचे कि आज लोग सुनी तो यह कही कि राजा साहब कौन नगडियर कैले हुई मुसहिनिया के साथ जबरदस्ती कैले हुई आज ना सुन ले हुई राजा साहब मुसहिनिया के मार देने मार दिले। ये भैया राजा साहब सोचते है निकल गेलन गोड़ दबा के बहरे मड़ई के बाहर निकल गेलन और बाहर देखथन तब मुसहरवा मरले पड़ेल बा मरले पड़ेल बा। राजा साहब एकदम अवाक अवा आला का भाव मिलन भीतर मुसहिनी का लाश और बाहर मुसहरे का लाश। राजा साहब घोड़ा लेलन लेके चल दिएलन लेकिन आल्हा का भाव मिले मास्टर पुसावा की रतिया जैसे काटेला बदनिया भैया
राजा साहब, भैया बाबू, ब्रह सुने वाले श्रोता बंधु लोग, घोड़ा लिहले अल्ले के चल दिहले, उनका सारी बदन जिसे ठंडी पुष्मात की तरह थर 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 कापतिबा कापतिबा नरसिंहपुर नगर नरसिंह राजा के यहाँ पहुंचे। नरसिंह राजा से कलन, हे राजा साहब, जौन कलिया लड़कवा तोरे यहाँ जन्म ले ले हो, पैदा भल हो, वही लड़कवा से हमें एगो बात करे के बा। कहे अरे यार लड़का आज रात के पैदा भल, तू सवेरे उसे कौन बात करबा, का लड़का तो है बताई। कहे नहीं राजा साहब, बात के तो माना, उन लड़का से एगो हमें बात पूछ के बा। नरसिंह राजा, राजा केतु के और वो लड़का के एगो कोठरी में बंद कर दिया, लड़का का और राजा केतु का वार्तालाप शुरू हो गया। बा, बा, बा। राजा नरसिंह कहे जा भा बतियाई ला, जा गैलन, वही समय लड़का का और राजा केतु का वार्तालाप शुरू हो गल। वही समय लड़का हंस के कहती बा, बा। हंस के लड़का बोला, सुना राजा गनिया, अरे हंस के लड़का बोला, सुना राजा गनिया, मर गया मुसहर जंगलवा में दोनों प्राणिया। मुसहर सुना राजा का ललनवा, नेक काम कैली पवली राजा घर जन्मवा, दिहले आपन कर्म नसाई सुना राजा सनिया, मर गया मुसहर जंगलवा में दोनों प्राणिया। राजा साहब वार्ता करे लगलन वो लड़का से, कहे बेटा चक्रवेत पंडित महाराज जौन लड़की के सदिया बदे 5,000 रुपया कर्ज के रूप में लेलन, वो पैसवा महाराज वार दे है कि नहीं। लड़कवा हंसे लगल, कहे राजा साहब पैसा ठीक हो, तेरे बात के हम माना थी, लेकिन ये बतावा तू जंगल में रुकला, एगो कुटी में रहला। राजा साहब कहूं, कहे मुसहरा के लिट्टी खैला, कहूं कहे मुसहिन के लगे सुतला, कहूं कहे ये बतावा अबे तार 5,000 रुपये तुम्हें चाहत हो, सुना दोनों पति और पत्नी मर गई, तू पैसा एक कर्ज 5,000 रुपया के खातिर तू दोनों के मरल छोड़ के आता 5,000 रुपया लेवे, जन के तोहार इतना बड़ा अपने दरवाजे सम्मान के ले तोहे राजा साहब शर्म लगे की चाहिए, तोरे जैसन मूर्ख ए दुनिया में क्यों न हुई। सुना घोड़वा बचावे में तोरे मरल उमसर, हमई वह लड़का है, हमई वह लड़का है, अजन हिमार मेरे रुआ मुसैनिया तेरे खटीवा सुतल रही, उखनुमा फेंक के मर गई, ऊ देखा कुतिया का जन्म पौले हो, हम नेक काम कैली आज हम राजा के घरे में जन्म ले ली, तो जे जैसन करी ते तैसन पाई, तू कन्या दान दे के आल है, तू कर्जा लेवे। अरे बाप रे बाप, राजा साहब इतना बतिया सुनता है,
वहां से घोड़ा लेलन लेके चल देलन इधर दरबार अपने अइलन। जितना धन दौलत रुपया पैसा जितना सब कुछ रहल सब अपने प्रजन के दान कर दिलन। यही से हमार कहानी समाप्त बा। आखिरी बंद में खानदान का परिचय बा। पत्तू छह वर्ष सुख नंदन की अजब अमर कविताई हीरा बुल्लू वेद मनोहर सिया राम बाग सजाई समैया समैया कह गुलाम दुनिया रानी नगीना यादों का सदगुरु सदा